हे गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, क्योंकि भाई 12th वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, फिजिक्स का पेपर जिन्होंने देखा, इस पेपर ने सबकी वॉट लगा दी भाई, मेरे वॉट लगा दी बिल्कुल। पहली बात तो ये मेरी बातों से वही बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने इस साल 12th में 2020 में CBSE का फिजिक्स का पेपर दिया है, क्योंकि भाई पेपर वॉज नेक्स्ट लेवल हार्ड। एंड ये देखो, शायद उल्टा करके दिख रहा हो कैमरे में, यह है सेट 3 एंड इट वॉज द हार्डेस्ट। मतलब सेट 3, तीनों सेट में 5 सेट होते हैं टोटल, रीजनल दिल्ली का अलग होता है और सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों में सबसे हार्ड सेट 3 और यही मुझे मिला था। मैं क्या ही बोलूँ भाई, सेट 2 का सेट 1 का क्वेश्चन तो मुझे बहुत लगभग आ रहा था इसका, तो भाई साहब दिन में तारे दिखने कहावत होती है ना, मुझे सच में दिख गया जब पेपर मुझे 15 मिनट्स रीडिंग करने के लिए मिला। भाई साहब अनएक्सपेक्टेड, एकदम आउट ऑफ सिलेबस पेपर, JEE और IIT के लिए आया था पेपर। भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, फिर भी ठीक ठाक गया, इतना भी खराब नहीं बोलूंगा। उम्मीद है पास तो होने की, तो उम्मीद तो है ही, पर अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं पास और फेल, तो उम्मीद है पास होने की, क्योंकि भाई सेट 3 वालों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सेट 3 आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी, प्लस आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। आप टेंशन मत लो, सेट 3 वाले बच्चे अगर आप लिख के आए हो 15-20 पेज, तो आप पास हो जाओगे। पर ये तो सही नहीं है ना भाई, CBSE बोर्ड वाले आप लोग पार्शियलिटी कर रहे हो भाई, सेट 1 वालों को इजी दे रहे हो, हल्का फुल्का, उनमें थ्योरी ज्यादा डाल रहे हो, सेट 2 वालों में मतलब ठीक ठाक है, सेट 3 वालों का ऐसा मार ले रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई भाई CBSE। खैर जो भी हो, सब कुछ ऑल ओके रहा, मतलब मैं ज्यादा ना खराब कहूंगा इस पेपर को, ना ज्यादा खराब तो हो ही गया भाई, अब कर भी कह सकते हैं हम केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करेंगे। केमिस्ट्री उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, इसमें एक क्वेश्चन सेट 3 से NCERT से नहीं लड़ा। भाई क्या मजाक कर रहे हो, IITN ग्रुप को पेपर बनाने के लिए दे दिया आपने यार। भाई सब बच्चे IIT के लिए थोड़े प्रिपेयर करते हैं, सोचना चाहिए था मेरे तो। मुझे लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा अच्छे नंबरों से, शायद, उम्मीद है, अब ऊपर वाला कृपा करे तो। और सेकंड बात रही, अगर आपको रिएक्शन आपने देखे होंगे सब स्टूडेंट्स के, तो मैं बता दूं, नेट पे आपने रिएक्शन देखे तो आपने नीचे स्क्रॉल करके एक बार कमेंट पढ़ा करो, वो रियल रिएक्शन है बच्चों का। जो वीडियो में आते हैं ना, वो कट करके लगाए जाते हैं कि सबका एक बढ़िया रिजल्ट बताया जाता है बच्चों को, कुछ बच्चे उसमें खराब बोलेंगे, सब उसमें ना टॉपर्स जो होते हैं वो, हाँ ठीक हुआ ठीक हुआ, जैसे कि मैं किसी के बारे में खराब नहीं बोल रहा हूँ, अमन छतरवाल ऐसे कोई चेक करके चैनल है ना, उन्होंने दिखाया कि सारे बच्चों का अच्छा हुआ, ऐसे नहीं होता ब्रो। मतलब आप जाके देखो कमेंट सेक्शन देखो, भरा पड़ा है खराब 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 खराब, कैसे कह रहे हो अच्छा हुआ पेपर। मतलब यार फिर भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स के लिए तो कुछ भी, हम एवरेज स्टूडेंट अब क्या ही कर सकते हैं। बस आज के पेपर के लिए यही था मेरा रिएक्शन, ये है ऑल ओवर पेपर वॉज नेक्स्ट लेवल हार्ड, और अब आगे देखते हैं क्या होता है केमिस्ट्री और मैथ्स में। मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ भाई साहब, बहुत 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 टेंशन है, इतने इतने तक टेंशन है, अब तो इतने तक टेंशन हो चुका है, अब टेंशन देख रहा हूँ नेक्स्ट लेवल चला गया, देखो दिख भी नहीं रहा कैमरे में टेंशन कितना जा चुका है। अब मैं बता रहा हूँ करना यही है, पढ़ो आराम से NCERT फुल सॉल्व कर लो, उसके बाद और कुछ करना नहीं है आप लोगों को, तो बस ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो नीचे जाके, और मैं और रिएक्शन अपलोड करूँ। कल तो मैं डिप्रेशन चला गया था इसलिए मैंने रिएक्शन वगैरह कुछ अपलोड नहीं करा, पर अब मैं करूँगा, कॉमर्स वालों को ही रिएक्शन अपलोड करूँगा, सब कुछ करूँगा। लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर कैसा गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, सी यू।